हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? के शिल्पी सैनी फ्रॉम सूरज स्कूल भिवाड़ी, पीजीटी इंग्लिश। टुडे आवर टॉपिक इज प्रीपोजिशंस। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ प्रीपोजिशन। व्हाट इज अ प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशंस आर वर्ड्स दैट कनेक्ट नाउन एंड प्रोनाउन टू अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस टू शो देयर रिलेशन विद दैट। क्या होते हैं प्रीपोजिशन? वो शब्द है जो कि कनेक्ट करते हैं नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस में यूज हुए दूसरे शब्द से, उनका उनसे जो भी रिलेशन है उस चीज़ को शो करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या है? हमारे प्रीपोजिशंस है। क्लियर? दिस इज द डेफिनेशन, यू मस्ट लर्न इट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस। क्या होता है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस? तो बेटा जो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस होते हैं वो क्या होते हैं, लेट्स सी। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस आर यूज्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू इंडिकेट वेयर सेंटेंस, सॉरी, वेयर समवन और समथिंग इज। तो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस क्या इंडिकेट करता है कि कहाँ पर कोई चीज़ या कोई है, समवन और समथिंग इज, कहाँ पर वो चीज़ है, ये हमें प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस से पता चलता है। जैसे दे आर वॉकिंग अलोंग द बीच। ओके, तो हियर इट इज अलोंग, इट इज व्हाट? इट इज द वर्ड दैट शोज दैट दे आर वॉकिंग अलोंग द बीच, वो बीच के पास है। ठीक है, आवर हाउस इज बिहाइंड द बैंक, बैंक, बैंक के पीछे हमारा घर है। ठीक है ना, तो ये बिहाइंड आपका क्या है? प्रीपोजिशन। उसी तरीके से आप देख सकते हैं द बर्ड्स फ्लू ओवर द ट्री, तो आप यहाँ देख सकते हैं बर्ड्स जो है, बर्ड है वो ट्री के ऊपर है। द बाइसिकल इज स्टैंडिंग बिहाइंड द गेट, तो बाइसिकल कहाँ है? गेट के बिहाइंड है। तो ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स है ये क्या है? आपके प्रीपोजिशंस है। बिटवीन क्या है? ये प्रीपोजिशन है। ऑन प्रीपोजिशन, ओके, अबव प्रीपोजिशन, नियर प्रीपोजिशन, तो ये आपका क्या शो कर रहे हैं? नाउन या प्रोनाउन का दूसरे वर्ड्स के साथ कैसे रिलेशन है या कैसे वो उसके टच में, उस चीज़ को यहाँ पर वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। नाउ प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट, वो क्या है? प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट इंडिकेट टू अस वेयर समथिंग और समबडी इज गोइंग। ओके, तो ये क्या है? प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट। एग्जाम्पल हम यहाँ देख सकते हैं, आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमोरो, तो दिल्ली जा रहे हैं, तो इसके लिए हम प्रीपोजिशन टू का यूज़ करेंगे। कैन यू डायरेक्ट मी टू द रेलवे स्टेशन, जाने के लिए हम प्रीपोजिशन टू का यूज़ करते हैं। क्लियर? अब आप देख सकते हैं यहाँ पे द हॉर्स वेंट अप द हिल, ऊपर जाने के लिए आपका यूज़ कर रहे हैं। टीना जंप्ड इन टू द पूल, मूवमेंट है यहाँ पे। ठीक है ना, ये क्या है? प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट है, तो यहाँ पर हम क्या इन टू का यूज़ कर रहे हैं। फिर आप देख सकते हैं द बॉल रोल्ड डाउन द स्टेयर्स, तो यहाँ पर जो है डाउन नीचे की ओर आ रही है, तो ये प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट है। अब हम कुछ और प्रीपोजिशंस को देखेंगे, जैसे कि प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। तो इसमें क्या है? प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम इंडिकेट टू अस व्हेन समथिंग हैपेंस, कि कब क्या चीज़ होती है। जैसे विनय रीच्ड पेरिस ऑन 1 जनवरी, तो ऑन आपका क्या शो कर रहा है? टाइम, टाइम के पहले लग रहा है। ठीक है, रीना क्लाइम्ब द हिल एट सनराइज, तो एट आपका टाइम को शो कर रहा है। तो इस तरीके से ये प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम है। अब हम इसके रूल्स देख लेते हैं। जैसे वी आर इन टू टॉक अबाउट लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम सच एज मंथ, सीजन, ईयर्स एंड सेंचुरीज, तो इसमें क्या है? माई बर्थडे इज़ इन द मंथ ऑफ जनवरी, तो हम मंथ से पहले इन लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये रूल है, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे कि आपके मंथ, सीजन, ईयर्स और सेंचुरीज के आगे हम इन लगाएंगे। सेकंड आपका क्या है? वी यूज़ इन टू टॉक अबाउट द पार्ट्स ऑफ द डे सच एज मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, तो हम इनका यूज़ और कहाँ करेंगे? आफ्टरनून, इवनिंग, इनसे पहले भी हम इन लगाएंगे। रूल नंबर 3 क्या है? वी यूज़ एट टू टॉक अबाउट एट अ पॉइंट इन टाइम। ठीक है ना, टाइम के पहले हम क्या यूज़ करेंगे? प्रीपोजिशन एट का यूज़ करेंगे। डी क्या है? वी यूज़ ऑन विथ डेज एंड डेट्स, डेज और डेट के पहले हम किस प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे? ऑन का, जैसे ऑन संडे, ऑन ट्यूजडे। ठीक है क्लास, होप सो कि आपको प्रीपोजिशन क्लियर हो गया हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे क्लास।